विशेष है टीवीएस बंपर ऑफर्स, बाइये 2100 रुपए की निश्चित छूट, 3000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 10000 रुपए तक बचत। मथुरा अखिल भारतीय विद्या परिषद मथुरा के कार्यकर्ताओं द्वारा आज जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला सह संयोजक अमन शर्मा सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। वहीं पर अमन शर्मा ने बताया कि सैकड़ों छात्रों का इस छात्रवृत्ति से वांछित किए गए हैं, जिसके कारण उनकी शिक्षा में भविष्य खतरे में है और अखिल भारतीय विद्या परिषद यह मांग करती है कि जल्द से जल्द इन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, जिससे इनकी शिक्षा पूरी हो सके। इस मौके पर विभाग संगठन मंत्री दिव्या भारद्वाज, कॉलेज अध्यक्ष निशांत जाधव, नेत्रपाल भारत शनी, महेश रुचि, सीमा शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क कंपाक्स हरिचा। इस वक्त हम मौजूद हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर। जी हाँ, हमारे साथ तो कुछ छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो भारतीय हिंदू परिषद के हैं और ये सब जानते हैं कि ये किस यहाँ डीएम कार्यालय किस लिए आए हैं, इनसे भी जानकारी करना चाहेंगे। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं टी आर कॉलेज अखिल भारतीय विद्या परिषद के छात्रा की छात्रा हूँ। आप यहाँ डीएम कार्यालय? ये एक्चुअली में ऐसा है कि बच्चों के छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, हम उसी के सिलसिले में यहाँ डीएम ऑफिस आए हुए हैं, उसको ज्ञापन दिया है हमने जिससे छात्र छात्राओं को जल्दी से स्कॉलरशिप आए। जैसा कि आप दर्शकों, आपने सभी लोगों ने सुना है कि ये लोग यहाँ पर जो आए हैं अपनी स्कॉलरशिप को लेके आए हैं, कौन से संत से यहाँ 2021 में आई है छात्र छात्राओं के ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सभी की है, सभी बच्चों के लिए। जैसे दर्शक आपने सुना है कि अभी तक बी ए फर्स्ट ईयर एम एस सी जितने भी अभी आपकी पी जी है जो भी है, मतलब अभी तक इन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई है, संबंध में यहाँ जिलाधिकारी को यहाँ पे हम ज्ञापन नहीं सौंपा है। यहाँ हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जिलाधिकारी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, मथुरा जिले की पूरी टीम ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे मथुरा डीएम ऑफिस आके डीएम साहब को छात्रवृत्ति संबंधी जो समस्या थी उसके लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जो पात्र हैं छात्र उसके स्कॉलरशिप के लिए, उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई, इसके लिए आज विद्यार्थी परिषद ने यहाँ डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और हमको डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जिन छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है उनकी जल्द ही स्कॉलरशिप आ जाएगी। जैसा कि आपने सभी सुना है कि इन्होंने अभी डीएम जी को स्कॉलरशिप लेकर ज्ञापन दिया है और देखते हैं कब तक ये स्कॉलरशिप आती है। मेरे साथ कमरा मैन पार्टी शर्मा के साथ और सब देखते रहिए सिटी नेटवर्क।